चलिए, हाय गाइस, दिस इज एनके राव फ्रॉम जिनर स्टडी चैनल। तो डोंट मगर ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल लॉजिकल स्टडी। बात की जाए तो हमने आज डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 25 से जी, और आपको हम लोग वर्क फॉर एनर्जी का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, और इससे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह का न्यूमेरिकल बनाए थे। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें जी। पहले थ्योरी वाले वीडियो देखें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन बनाए जी। तो बात की जाए, इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं, और टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का जी। तो मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि जिससे सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट हो सके। अगर बात की जाए तो देखिए, अलग अलग मैंने सबके प्लेलिस्ट बना रखे हैं, करंट अफेयर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। जो ज्यादा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में आपको नुकसान हो सकता है जी। जो मैंने बना रखा है उस टॉपिक को ज्यादा कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए जी क्या है, बोला 25 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति का संवेग क्या होगा जब वह 2 m/s के एक समान वेग से चल रहा है जी। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, 50 kg के द्रव्यमान का, यानी m क्या है जी, m है, सॉरी 50 नहीं 75 kg है, का एक व्यक्ति संवेग क्या होगा जब वो 2 m/s के समान वेग से चल रहा है। तो p बराबर क्या होता है, m भी होता है, तो m भी होता है, तो m क्या है 75 है, v क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा kg/m/s। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आता है जी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है जी, एक इंजन प्रति मीटर इतने जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है जी। देखिए प्रति मिनट इतने करता है जी, तो यानी पावर क्या है जी, पावर बात की जाए, देखिए सारे SI यूनिट में लेंगे जी, तो इस इंजन की शक्ति क्या होगी, तो शक्ति यानी पावर निकालना है, पावर बराबर क्या होता है जी, एनर्जी बाई टाइम। अब एनर्जी क्या है जी, बोल रहा है 1200 जूल की आपूर्ति करता है प्रति मिनट में, प्रति मिनट में। अब लेकिन देखिए हमारे अनुसार SI यूनिट तो मिनट नहीं होता है जी, टाइम का SI यूनिट क्या होता है, क्या होता है जी, तो सेकंड होता है। तो एक मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं जी, यहाँ पे जूल रन, तो जूल पर सेकंड हमारा पावर का यूनिट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, 6 × 12 यानी 20, आंसर क्या हो जाएगा जी आपको, 200, सॉरी क्या हो जाएगा, तो 200 वाट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन को कर रखा है जी। देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, देखिए अभी यहां से यूनिट एंड डायमेंशन से हमने इस क्वेश्चन को बनाया जी, किससे बनाया जी, यूनिट एंड डायमेंशन से हमने इस क्वेश्चन को बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक पार्ट मैं बताऊंगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर बनता जाएगा जी, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे लोग, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे लिए जो बेसिक्स जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका क्या हो जाएगा जी, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, बोला है कोई बल 2 kg की एक वस्तु को, कोई बल 2 kg की एक वस्तु को 0.5 m/s त्वरण प्रदान करता है, तो वह बल 10 kg की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा। देखिए जी अब देखिए, अब क्या है जी, एफ बराबर क्या है, एम ए है, तो बोल रहा है कि एक 2 kg का है जी, क्या है जी, कितना 2 kg का मास है, उसको कितना 0.5 m/s उसका मिला, यानी 1 N का फोर्स लगा है। अब यही फोर्स बोल रहा है 10 kg पे लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे 10 kg, अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा निकाल लेते हैं जी, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी ये फोर्स बराबर था तो हमने बराबर कर दिया जी, तो क्या हो जाएगा 0.1 m/s². चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान क्या है जी 1200 kg है, क्या है जी 1200 kg है, और 72 km/h के ब्रेक से चल रहा है, इस यदि ब्रेक लगाकर 80 सेकंड में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदित बल का मान क्या होगा, यानी हमको बल निकालना है जी, तो यानी अगर बल निकालने के लिए, मंदित बल निकालना है, तो अगर मंदन त्वरण निकाल लें यानी रिटार्डेशन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, एक ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, तब एफ की वैल्यू एम ए करके निकाल लेंगे, तो पहले फोकस इस पर करना है जी, एक्सेलेरेशन पर निकाले, यानी मंदन जो त्वरण है उस पर निकालेंगे, क्या जी रिटार्डेशन जो है उसको निकालेंगे, तो रिटार्डेशन के निकालते हैं जी। अब देखिए हमको क्या कह दिया है, एम दिया है, एक मोटर का जिसका द्रव्यमान इतना है, इतना केजी के ब्रेक से चल रहा है, यानी यू दिया हुआ है जी, और ब्रेक लगा के 80 सेकंड में टाइम दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी भी तो दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि रुकेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यानी हम इससे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, एस दिया है जी हमको, एस नहीं दिया है, अच्छा जी एस नहीं दिया है, टाइम तो दिया है ना, चलिए अगर इसको नहीं लगाते हैं जी, इस वाले फॉर्मूला तो वी बराबर यू प्लस AT, तो वी क्या है जी फाइनल जीरो, फाइनल जीरो होना है, यू क्या है, यू आपको दिया हुआ है 72 km/s, क्या दिया जी U दिया है 72,
तो 72 क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18, 18 ठहर चुका 72 यानी 20, यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस ए इंटू टी, टी टाइम क्या दिया है 80 सेकंड। चलिए बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे अभी, क्वेश्चन नंबर आपको 28, 28 में देखिए तो बोल रहा है भी हम निकाला है, सॉरी भी क्या है, फाइनल मेरा वेलोसिटी जीरो है, यू क्या है जी, यू दिया हुआ है हमको 20 दिया, यानी मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट किए तो ए इंटू टी, ए क्या है जी, एक्सेलरेशन की बात की जाए एक्सेलरेशन के लिए तो क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू बाई टी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होना है, और यू क्या है जी, यू है 20/T, टी क्या है जी, तो 80 सेकंड है, क्या है जी 80 सेकंड है, तो 80 सेकंड रख देते तो क्या हो जाता है -1/4 क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन मिलेगा जी। तो एक्सेलरेशन जब मिल ही गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए लिख लेंगे, एफ बराबर एम ए, एम की वैल्यू क्या है जी, एम की वैल्यू क्या है जी 1200 kg है, ये क्या है -1/4 है, तो क्या हो जाएगा 300, तो क्या हो जाएगा -300 न्यूटन होगा, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम फोर्स का डायरेक्शन क्या है जी अपोजिट है, इसलिए तो 300 न्यूटन आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आता है जी, 29 में क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक इतने मीटर लंबे आदमी के सिर पर 50 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्या है जी, इतने लंबे द्रव्यमान 50 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बल की अपेक्षा करते हुए बताइए कि, अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग लॉजिकल है जी, इस क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का सारा लॉजिक समझिएगा। देखिए डायरेक्ट कभी भी किसी से पूछा जाता है, जिसे मान लो कुल्ली है, क्या है जी कुल्ली है, ये क्या है इसका वेट है जिसपे ले रहा है, और ये 10 मीटर चलता है, क्या है जी 10 मीटर चलता है, तो इसका अगर वर्क पूछा जाता है तो वर्क डायरेक्ट क्या बता देता है लड़का सब, जीरो बताता है, जो कि सारा सर गलत है जी। पहली बात पहले इसका कंसेप्ट जानेंगे, इसलिए उसके बाद इसको क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम पूछते हैं क्या कि देखिए अगर ये चला 10 मीटर तो अगर वर्क निकालना है किसके द्वारा जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, यानी जो हमारा पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके द्वारा, देखिए वो फोर्स किधर लग रहा है, पृथ्वी इसको किधर फोर्स लगा रही है, इधर लगा रही है, ये फोर्स इधर लगा रही है, तो इस फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या है जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है जी, थीटा जब 90 रहेगा तो कॉस थीटा क्या होता है जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा आपका वर्क जीरो हो जाएगा, इसको समझिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या बोलता हूँ, वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन, इस आदमी के द्वारा कितना काम किया गया है, अगर मान लीजिए इस आदमी के द्वारा कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया गया होगा ना जी, कुछ ना तो कुछ फोर्स लगाया गया होगा, तो फोर्स मान लेते हैं एफ इंटू एस क्या है जी, तो 10 मीटर आगे गया, सॉरी मीटर पर सेकंड लिखा, 10 मीटर अगर आगे गया तो क्या हो जाएगा 10F हो जाएगा। अब ये F केमिकल, जो केमिकल फोर्स इसका इसका कोई ना कोई केमिकल फोर्स था, कोई ना कोई फोर्स था, तो उसके आ जाएगा उसका 10 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्क जीरो नहीं होगा, याद रखिए यहाँ पे वर्क डन बाय मैन नॉट इक्वल टू जीरो, बट वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज एब्सोल्युटली जीरो, तो वी कैन से द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय दिस मैन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी बोथ आर जीरो, बट वर्क डन बाय दिस मैन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बात की जाए इस आदमी के द्वारा ग्रेविटी के द्वारा इस ब्लॉक पे ग्रेविटी के द्वारा जो काम किया गया वो क्या है जीरो है, इस आदमी के द्वारा ग्रेविटी के अगेंस्ट में यानी उसके विरोध में काम किया गया वो भी जीरो है, लेकिन बात की जाए इस आदमी के द्वारा कितना काम किया गया है इस ब्लॉक को ढोने में, तो कुछ ना कुछ किया गया है जी, वो जीरो नहीं हो सकता है, इसका मान दिया रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 29 पे, 29 बोला एक इतने मीटर लंबे आदमी है जी, क्या है जी लंबाई क्या है उसकी, यानी हाइट कितना है 1.5 मीटर है और 50 kg का वेट है जी, 50 kg का वेट है, तो अतिरिक्त गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बलों को उपेक्षाकृत करते हुए, देखिए बोल रहा है ना गुरुत्व के अलावा सभी बल को क्या करना है नेग्लेक्ट करना है, सभी को छोड़ देना है, बताइए कि 10 मीटर के चलने पर उसे कितना कार्य करना पड़ेगा। अब बताइए इस पे अगर एक ही एक फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है जी ग्रेविटी लग रहा है, ये बोला गुरुत्व को छोड़ के अन्य सभी बलों की उपेक्षा करते हुए, अन्य सभी बलों की उपेक्षा करते हुए यानी जो भी गुरुत्व के अलावा सभी बल को छोड़ दीजिए, तो यानी अब बच गया कौन ग्रेविटी बच गया, तो ग्रेविटी केवल बच गया तो ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा इसका जी,
जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। चलिए तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, माइंड क्या कीजिए, लॉजिकल और रेशनल बिल्डअप कीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना है जी, यदि उसकी लंबाई इतने से इतने मीटर कट गई तो स्प्रिंग की स्थिति जो है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए स्प्रिंग के लिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये आपको क्वेश्चन सब थ्योरी में पढ़ा दिया गया है जी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है जी, के की वैल्यू 100 दिया है, एक्स जो है एक्स की वैल्यू क्या है जी, आपको बोल है 60 से 70 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो 70 माइनस 60 सेंटीमीटर यानी कितना चेंज हुआ है, बट्टा 100, ये मीटर में होना चाहिए जी, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, एक्स के लिए मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 10/100 क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा जी, 0.1 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के की वैल्यू क्या है जी, 100, एक्स स्क्वायर मतलब 10^-2 हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है 0.1 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^-2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा जी, तो हाफ जूल क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा बहुत, स्प्रिंग की क्या है जी स्थिति ऊर्जा को ऐसे ही निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग ऐसे ही हेल्प करेंगे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है